20 मार्च 2003 जी हाँ, एक ऐसा दिन जिस दिन सौरव गांगुली ने सेंचुरी बनाई थी, आज ही के दिन। अब आप सोच रहे होंगे सेंचुरी तो बहुत बनती है, प्लेयर का काम ही, जो बल्लेबाज होता है उसका काम ही सेंचुरी बनाना होता है, लेकिन ये सेंचुरी विशिष्ट थी। विशिष्ट इस मामले में थी क्योंकि ये वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में भारत की ओर से पहली सेंचुरी लगी थी। इससे पहले कोई भी भारतीय 2003 के वर्ल्ड कप से पहले किसी भी नॉकआउट मुकाबले में सेंचुरी नहीं बना सका था। और ये सेंचुरी का कमाल था कि भारत ने केनिया को हराया और भारत जो है फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करने लगा, करने में सफल रहा। वो बात अलग है कि भारत ये मुकाबला जीत नहीं पाया, फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन सेमीफाइनल में केनिया के खिलाफ सौरव गांगुली की सेंचुरी विशिष्ट दर्जे में गिनी जाती है। इस मामले में भी क्योंकि उसके बाद 12 वर्षों तक भारत की ओर से कोई भी नॉकआउट में, वर्ल्ड कप के नॉकआउट में सेंचुरी नहीं लगी। उसके बाद जो है लंबे समय के बाद यानी 2015 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था, वहां रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने सेंचुरी बनाई बांग्लादेश के खिलाफ, हालांकि 90 रन के स्कोर पर वो आउट हुए थे, डीप में उनका कैच नपका गया था, लेकिन वहां अपील हुई थी और वहां पता चला जो अंपायरों का फैसला था कि रूबेल की जो गेंद है वो वेस्ट की ऊंचाई से ऊपर आ रही थी, काफ़ी ऊपर आ रही थी, और उसे नो बॉल करार दिया गया, क्योंकि नियमानुसार यदि आप ऐसा दो बार करते हैं या ज़्यादा बार करते हैं तो उससे आपको उस गेंद को नो बॉल करार दिया जाता है। और उससे एक तरह से मैं कहूँगा रोहित शर्मा को जीवन दान मिला। उन्होंने 126 रन की पारी खेली, 137 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और इस तरह से वर्ल्ड कप के इतिहास में दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं, सौरव गांगुली जो इस समय BCCI के अध्यक्ष हैं, और दूसरे रोहित शर्मा जिन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई 2015 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में। और ये और रोहित शर्मा की सेंचुरी इस मामले में विशिष्ट थी। दोनों में एक सिमिलरिटी भी थी, सिमिलरिटी ये थी कि दोनों ही बार अगले राउंड में भारतीय टीम पराजित हो गई और दोनों ही बार ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने आई, यानी 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया और फिर 2015 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने फिर भारत को हराया, क्योंकि ये मामला 2015 के क्वार्टर फाइनल का था वर्ल्ड कप का, जिसमें रोहित शर्मा सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे थे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।